नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है हमारे पास वन प्लस नोड एन ट्वेंटी एस एंड ओप्पो A57 और हम करेंगे इन दोनों फ़ोन के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, क्योंकि दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है, लेकिन यह देखना बाकी है कि इन दोनों फ़ोन में से किस फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन से। दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको MediaTek Helio G35 Octa-Core CPU मिलता है। दोनों में आपको PowerVR GE8320 GPU मिलता है। दोनों फ़ोन Android 12 पर रन करते हैं। दोनों फ़ोन में आपको 4GB RAM एंड 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और दोनों फ़ोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दोनों फ़ोन के अगर प्राइस की बात करें तो नोट N20 SE का प्राइस लगभग 16,000 रुपये, तो वहीं ओप्पो A57 का प्राइस लगभग 14,000 रुपये है। तो दोस्तों बस यही थे दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच एक रिबूट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले रीस्टार्ट होता है। दोस्तों दोनों फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ प्रेस करके छोड़ देने हैं। दोस्तों दोनों फ़ोन की अगर रिबूट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं रिबूट टेस्ट में, क्योंकि दोनों फ़ोन में सेम CPU मिलता है, इसलिए दोनों फ़ोन सेम टाइम में रिस्टार्ट हुए हैं। चलिए अब करते हैं दोनों फ़ोन के बीच मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और देखते हैं किस फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलती है।
दोस्तों दोनों फ़ोन की अगर स्पीड टेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों फ़ोन में ज़्यादातर ऐप्स सेम टाइम में ओपन हुए हैं, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों फ़ोन आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं गेमिंग या स्पीड टेस्ट परफॉर्मेंस में। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच रैम मैनेजमेंट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फ़ोन रैम मैनेजमेंट में एक दूसरे से बेहतर देखने को मिलता है। दोस्तों रैम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन का रैम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर जो ऐप्स हैं वह रीओपन होने में काफ़ी ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रहे हैं, जबकि तुरंत उन्हें ओपन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों रैम मैनेजमेंट के मामले में भी दोनों फ़ोन बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल दोनों फ़ोन के कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों फ़ोन आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यही था, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।